आज हम क्लासिक उर्दू फोक टेल में हकायत सादी में से एक हकायत सुनेंगे और इसका नाम है ताकत का जवाब। प्यारे बच्चों, एक दिन हवा और सूरज के दरमियान बहस हो गई। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। हवा बोली, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरी लहरें तुम्हारी श्वाओं को कमजोर कर देती हैं। मैं हर चीज को उड़ा कर रख देती हूँ। ये सुनकर सूरज गुस्से भरे लहजे में बोला, मैं तो ताकत का खजाना हूँ। तूने मेरी ताकत को अभी तक तस्लीम नहीं किया। मैं सबको गर्मी से बेहाल कर देता हूँ। जवाब में हवा ने कहकहा लगाते हुए कहा, अपना सानी दुनिया में कोई नहीं। खुश्की पर तेज चलती हूँ तो दरख्तों को उखाड़ देती हूँ, इमारतों को गिरा देती हूँ। समंदर पर तेज चलूँ तो तूफान उठा देती हूँ। सूरज ने गुस्से में कहा, अपने मोमिया मिट्ठू बनने का कोई फायदा नहीं। बातें ना बनाओ, मुझे कायल करना है तो अपनी ताकत दिखाओ। ये सुनकर हवा ने मैदान में चलते हुए एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैदान में मौजूद इस शख्स के जो कपड़े उतार दे वो ताकतवर है। ठीक है, मुकाबला मंजूर है। सूरज ने हवा से कहा, चल तू अपनी ताकत का मुजाहिरा पहले दिखला। ये सुनते ही हवा तेज तेज चलने लगी। इस शख्स के कपड़े फड़फड़ाए तो उसने जल्दी से उन्हें अपने जिस्म पर दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। हवा ने भरपूर जोर लगाया लेकिन उसके कपड़े जिस्म से ना उतार सकी। अपना पूरा जोर लगाकर थक गई। हांफते हुए शर्म से गर्दन झुकाकर एक तरफ हट गई। अब सूरज ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। उसकी तेज शुआएं मैदान में उतर आई तो मैदान में कयामत आ गई। गर्मी से मुसाफिर का बुरा हाल होने लगा। सारे बदन से पसीने के फवारे छूट गए। लब खुश्क और मुंह लाल सुर्ख हो गया। घबरा कर उसने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए। सूरज ने फातिहाना कहकहा लगाया और कहा, देखी मेरी ताकत, आइंदा के लिए तौबा करो, कभी अपनी ताकत पर गुरूर ना करना। प्यारे बच्चों, आपका क्या ख्याल है, सूरज और हवा में से ज़्यादा ताकतवर कौन है? इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि ताकत का जवाब ताकत ही से दिया जा सकता है। सिर्फ बातें बनाने से कतई कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप मज़ीद ऐसी अच्छी हकायात और कहानियाँ सुनना चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।